हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आज पीसीएस 2018 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें 831 पद आयोग की तरफ से निकाले गए हैं और 6 जुलाई 2018 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और 6 अगस्त 2018 को ये फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है, जिसमें 2 अगस्त तक शुल्क जमा होगा। तो आप लोग, मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम तिथि के लिए आप लोग इंतज़ार ना करते रहें, एक हफ्ते के अंदर ये फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और तुरंत प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं आपको पूरी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की पूरी तैयारी आपसे करवाऊंगा। और आप लोग दोस्तों याद रखिए, इस बार का मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आप हमेशा नीचे से तैयारी करिएगा, मींस आप इंटरव्यू को लेकर के सब साथ में चलिए। इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स तीनों आप पैरेलल चलाएंगे, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा। वरना अगर आप सोचें कि प्रीलिम्स हम क्वालिफाई कर लें फिर इसके बाद मेंस के लिए देख रहे हैं, आयोग बहुत ही कम समय देता है। जैसे कि पीसीएस 2017 मेंस का एग्ज़ाम टलवाने के लिए बच्चों ने बहुत कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी आयोग की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, जिसमें बच्चे भी बहुत हताश हुए। लेकिन अब आप लोग समझ जाइए कि टाइम टेबल बहुत सख्ती से बन रहा है। 19 अगस्त को अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम से कोई भी चैनल वाला आपको दावा करे कि एक महीने और डिले हो जाएगा, आप बिल्कुल उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। आप दिमाग में ये प्रिपेयर, माइंड में ये प्रिपेयर कर लीजिए कि 19 अगस्त को मुझे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स देना है, 19 अगस्त को पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है, तो आप निश्चित रूप से कर ले जाएंगे। और बिल्कुल फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे जो भी अफवाहें उड़ाते हैं उन पर बिल्कुल कदापि न ध्यान दीजिए, और उन फेसबुक आईडी और यूट्यूब चैनल, उन सबको आप छोड़ दीजिए जो भी अफवाह फैला करके आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग 19 अगस्त को ये प्रीलिम्स मान लें और संभवतः जनवरी फरवरी तक ही मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और इंटरव्यू, आप कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि 1 ईयर के अंदर अब लोक सेवा आयोग इलाहाबाद अपनी पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देगा, क्योंकि इस यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी आयोग के ऊपर बहुत प्रेशर है कि समय सीमा को लेकर के बहुत चिंतित है शासन, कि समय सीमा के अंदर, 1 ईयर के अंदर पूरी वैकेंसी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि 831 पद, और ध्यान रखिए दोस्तों, 30 साल के बाद 831 पद में 119 पद जो SDM के हैं, ऐसे पद कभी नहीं आए हैं और ना कभी आगे आने की उम्मीद है। क्योंकि अगर इसी बार ये सारे पद फिल अप कर लिए जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2-4 साल के लिए SDM की पोस्टें कम हो जाएंगी। तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। और जो बहुत ज़रूरी बातें आपको बताना जा रहा हूँ, देखिए फार्म तो आप सब लोग अप्लाई कर ही लेंगे, ठीक है, मेन है प्रीलिम्स और जो भी इंटरव्यू की जो बातें हैं या प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की हैं वो हम क्रम बाई क्रम चलेंगे, उन सबको हम आपको समझाएंगे। और प्रीलिम्स के जो भी टॉपिक हैं ये लगभग आप लोग ये समझिए कि कम से कम 10 तारीख के आसपास से मैं अपने चैनल पे शुरू कर दूंगा, आपको UPPSC BCS का पूरा मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। मैंने भी कई बार एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मेंस इंटरव्यू तक पहुंचा हूं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा होशियार बच्चे प्रशासन में जाएं और वहां अच्छा वर्क करें। तो देखिए दोस्तों, प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैस वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और मेंस से आप बिल्कुल मत घबराइए। देखिए मेंस का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का तो सेम वही है, मेंस में जो बदलाव हैं तो उसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और IAS की तरह के जो क्वेश्चन हैं, IAS की तरह जो सिलेबस तो ज़रूर है, लेकिन IAS के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन PCS में आएंगे नहीं, क्योंकि वो करंट अफेयर से जोड़ करके बहुत एनालिटिकल मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं UPSC में। लेकिन यहाँ PCS में नॉर्मली ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 वर्ड या 200 वर्ड या 50 वर्ड या 20-20 वर्ड में पूछे जाएंगे, बहुत आसान रहेंगे। जैसे आप उत्तराखंड और राजस्थान PCS का एग्ज़ाम देते होंगे तो उनमें उनके पेपर मेंस वाले डाउनलोड कर लीजिए, उनसे आपको एक बेस पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह के आएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान है ये एग्ज़ाम पीसीएस का। आप ये समझ लीजिए कि इस साल अगर आपने मन से तैयारी कर ली, और लेकिन पैरेलल आपको तैयारी करनी है प्री मेंस इंटरव्यू, और यदि आप पैरेलल नहीं तैयारी करेंगे दोस्तों तो एग्ज़ाम क्लियर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मेंस के लिए बहुत ही कम समय मिलता है, जिसमें सब्जेक्ट भी तैयार करना है और चार पेपर जीएस के तैयार करने हैं और हिंदी और निबंध भी तैयार करना है। तो आपको इन सब को लेकर के एक साथ चलना पड़ेगा। प्रीलिम्स के लिए भी समय मैक्सिमम दीजिए, लेकिन मेंस को आप जो है दरकिनार मत करिए। मेंस के लिए कम से कम आपको 2 घंटे या 3 घंटे पर डे पढ़ना पड़ेगा, और 2-3 घंटे आपको 3-4 घंटे कम से कम आप प्रीलिम्स का आप टाइम टेबल तैयार कर लीजिए अपने हिसाब से। मेरे कहने का मतलब यही है कि आप तीनों चीज़ें पैरेलल लेके चलिए, और पर डे जो न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं उनसे इंटरव्यू के क्वेश्चन निकालिए कि इस करंट अफेयर्स से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, और करंट अफेयर्स आप पर डे पढ़ते जाइए। दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा अनुभव यही कहता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम करंट अफेयर्स की वार्षिकी ईयरली पढ़ लेंगे और उससे बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा आप गलत सोचते हैं, क्योंकि फिर बाद में एकदम से तैयारी हो नहीं पाती, करंट अफेयर्स पूरा कंप्लीट तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी बात आप लोग मान लें कि आज से ही आप लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक भी प्रिपेयर करते चलें। मंथली मैगजीन तो एक लेते ही चलिए, जैसे घटना चक्र की मैगजीन आती है वो यूपी पीसीएस के लिए रामबाण है, तो आप उसको तैयार करिए। और वही घटना चक्र दृष्टि के नाम से भी निकालता है, या घटनासार या विवास पनोरमा निकालते हैं ये वार्षिकी के नाम से, इसको आप बाद में समराइज रूप में पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप मंथली पढ़े होंगे तो बहुत आसान हो जाएगी ये परीक्षा। लेकिन आप लोग जैसे ई दृष्टि के भी इस समय देख रहे हैं क्वेश्चन काफ़ी फंस रहे हैं, ई दृष्टि वाली मैगजीन जो आती है ऑब्जेक्टिव टाइप के, उसमें क्वेश्चन रहते हैं, उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पीसीएस में आ रहे हैं। तो आप कुल मिलाकर के घटना चक्र की एक मंथली मैगजीन तो लेते ही जाइए, उसको एक बार 1-2 दिन में पढ़ डाला करिए, जिससे कि आपको कोई चीज़ अनछुई ना लगे, अपरिचित ना लगे। जब आप वार्षिकी पढ़ेंगे, ईयरली कोई मैगजीन पढ़ेंगे, तो वो आपको सब देखी सुनी आपको वो चीज़ें लगेंगी, तो वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए ठीक है, बाकी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जो भी मटेरियल है। और मेंस में आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये देखिए कि यहाँ पर देख रहे हैं कि मेंस का सिलेबस ये है दोस्तों, जैसे ये यहाँ पर देखिए कि ये इतिहास का पूरा है, फर्स्ट पेपर में पूरा इतिहास है, ठीक है, और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे टॉपिक दिए हैं, कला रूप संस्कृति और वास्तुकला, यहाँ महत्वपूर्ण व्यक्ति समस्याएं, स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्गठन, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हम बाद में डिस्कस कर देंगे। और इसी तरह से सेकंड पेपर में क्या है, सेकंड पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये देखिए दोस्तों सेकंड पेपर में ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद देखिए दोस्तों कि सेकेंड पेपर के बाद आइए थर्ड पेपर में, थर्ड पेपर में क्या चीज़ें हैं, थर्ड पेपर में है इकोनॉमी। इकोनॉमी देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन पूरे हुए जा रहे हैं कि गरीबी बेरोजगारी और सामाजिक व्यवस्था न्याय और समावेशी समृद्धि इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सब चीज़ें बहुत आसान है दोस्तों। वैश्वीकरण उदारीकरण ये बहुत ही आसान है, ये सब चीज़ें साइंस एंड टेक इसी में जुड़ा हुआ है, मतलब हर टॉपिक में एक एक आप समरी टाइप का भी याद कर लेंगे। जैसे ये मान लीजिए आया कृषि वानिकी और पशुपालन के मुद्दे, या भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ, ये आतंकवाद भ्रष्टाचार, ये तो सब पढ़े पढ़ाए हुए हैं दोस्तों, ये आप सब लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बहुत ही आसान है और अन्य राज्यों से तो सरल ही है यूपी का। और ये देखिए चौथा प्रश्न पत्र है नीति शास्त्र का, तो इसमें भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। और नीति शास्त्र और संवेगात्मक, ये जितनी भी टॉपिक हैं ये मैं आप सबको कंप्लीट करवा देंगे। कुल मिला करके आप देख लीजिए कि यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 17 टॉपिक 17 क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, ठीक है, और सेकंड पेपर में 23 टॉपिक हैं, और थर्ड पेपर में 20 टॉपिक हैं, और फोर्थ पेपर में ये है। तो आपको अगर यही बड़ा बड़ा इनको याद कर लेंगे तो पहली बार, देखिए एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है ये रिटन का, तो ये सब्जेक्टिव टाइप में जीएस के, तो आप ये मान के चलिए कि सब लोग एक जैसे तैयारी चल रही है, कोई सबको नए तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, तो कंपटीशन बिल्कुल सेम हो गया। अब जो लोग पुराने
थे, 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्टिव पेपर तो तैयार ही था, ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब क्या हो गया, सब सेम हो गए। ठीक है, अब बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमें UPSC वाले छात्रों से कंपटीशन हो जाएगा, वो लोग मेरिट ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो जो UPSC वाले छात्र हैं वो अभी देखिएगा कि उनमें जो क्वेश्चन आते हैं उनका जो पैटर्न है वो अलग प्रकार का है, और यहाँ जो पैटर्न है वो अलग है। हाँ, कंपटीशन रहेगा, लेकिन उतना ज़्यादा आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। 60% इसमें मेरिट जाएगी मेंस के एग्ज़ाम्स में, और जहाँ UPSC में 50% में सिलेक्शन होता है तो इसमें 60% में हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आप मान के चलिए कि बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन ले लीजिए, केंद्र और राज्य वित्त संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका। तो आपको वित्त आयोग की भूमिका, अब ये पूरा एक टॉपिक हो गया। अब वित्त आयोग की भूमिका तो आप लिख ही सकते हैं, केंद्र और राज्य में वित्त आयोग के कार्य क्या हैं, बस हो गया लीजिए एक टॉपिक ख़त्म। वित्त आयोग के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, तो बिल्कुल आसान है एग्ज़ाम, और इस बार तो मौका चूकिए ही ना दोस्तों। ठीक है, और मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा जो है, आपको प्रीलिम्स तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रीलिम्स तो आप बाएं हाथ का खेल है, और प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स तो हम आपको जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे पूरे क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि, और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, 1/3 की माइनस मार्किंग है। तो माइनस मार्किंग में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है दोस्तों, क्योंकि जो अनुभवी बच्चे हैं जो 10 साल या 15 साल से तैयारी कर रहे हैं वो अनुभव के आधार पर कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट करके कर ले जाते हैं, सही कर ले जाते हैं, और जो नए बच्चे हैं वो नहीं कर पाते अनुभव के आधार पर, तो वो सब सेम हो गए, आप पुराने और नए बच्चे सब सेम हो गए। तो और माइनस मार्किंग में रिस्क कोई लेगा नहीं, रिस्क उठाएगा तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो इसलिए 1/3 माइनस मार्किंग है, 150 क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 150 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा 90 क्वेश्चन आप सही कर लीजिए दोस्तों, 90 क्वेश्चन में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी कम जा सकती है, ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अभी 9800 जाती है मेरिट, 90 के आस ही पास रहेगी ये मान लीजिए, और वैकेंसी ज़्यादा है तो ये मान लीजिए कि 80 के आसपास तो मेरिट रहनी ही रहनी है। तो आप लोग बिल्कुल भी, जो बिल्कुल श्योर क्वेश्चन के आंसर पता हो केवल उन्हीं को करने की कोशिश करना है, और जो कन्फ्यूजन में है उनको छोड़ देना है। तो माइनस मार्किंग में फ़ायदा ही रहेगा दोस्तों, घाटा नहीं रहेगा। पुराने बच्चों से कंपटीशन जो आप नए बच्चों का है वो सेम हो जाता है, वो वेरिएशन जो है वो नहीं रह जाता। तो ठीक है दोस्तों, 10 तारीख से हम लोग विधिवत तैयारी करेंगे, ये भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आते हैं UPPCS में, कुछ देखिए रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों से भी कुछ रिपीट कर दिए जाते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको पढ़ाया जाएगा। UPPCS किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, किस प्रकार की डिमांड है, वही क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।